हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये चार कंडीशन दी हैं बच्चों हमारे पास और हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड में, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंट है दोनों, तो वी हैव टू शो फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ। ये साइन है, ये टू वे इम्प्लीकेशन का साइन है, मतलब ये हमें दिखाना है कि इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा, ठीक है। ठीक है, इक्विवेलेंट शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, ठीक है, मतलब बच्चा है बी का। तो जब भी ऐसा होता है ना कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, तो ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। देखिए, जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, ठीक है। अब इसका कोई हम एक सबसेट बनाना चाहें तो हम यहाँ से एलिमेंट निकाल के यहाँ पे रखेंगे 1, 2, ये दो एलिमेंट्स रख दिए, ये सबसेट हो गया, ए जो है वो सबसेट हो गया बी। तो ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में भी है, ठीक है, तभी तो ए सबसेट बना बी का। तो इसके बेसिस पे हमने कही ये बात, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, अब कोई एलिमेंट एक्स है जो ए से बिलोंग कर रहा है, तब हम ये कह सकते हैं देन x also belongs to b, ठीक है, x b से ही बिलोंग करेगा, भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि a तो बच्चा है उसका। अब मान लीजिए कि if x does not belongs to b, ये हुआ, अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी कभी भी phi नहीं आएगा, कभी भी phi नहीं आएगा। अगर कोई एलिमेंट a में है और वो एलिमेंट b में नहीं, तो a माइनस बी कभी भी फाई नहीं आएगा। ये दूसरी चीज है, देखिए यहाँ पर, जैसे a में हमारे पास है 1, 2, ये a है, ठीक है। अब यहां से मान लो 2 जो है वो एक b सेट है और b में 1, 3, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 a में तो है लेकिन 2 जो है वो b में नहीं है, b में नहीं है 2, है ना, नहीं है। तब यहाँ पे a माइनस बी करो, अब माइनस में क्या होता है, जो आगे वाला सेट होता है वो आता है आंसर में, और कॉमन वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं, ए वाले में से कॉमन वाले एलिमेंट्स हटा दो, 1 कॉमन है तो 1 हटा दो, 2 बचा, तो ए माइनस बी 0 आया, नहीं आया, आया नहीं आया। और ऐसा हो कि जो एलिमेंट्स हैं ये 1 जो है यहाँ पर भी होता, ये 2 जो है यहाँ पर भी होता, बी में भी होता, ठीक है, मान लो ए हमारा साइड है 1, 2 और बी जो है हमारा साइड है वो 1, 2, 3 है, ठीक है। इस केस में देखो, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम a माइनस बी करें तो ये हमेशा फाई आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एक सेट आएगा और वो a में से होगा और कॉमन वाली चीजें हटा देंगे तो 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, तो a में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया फाई। तो ये कंडीशन हो, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि a माइनस बी अगर फाई है तो a सबसेट होगा b का, ठीक है। तो अगर हमने थोड़ी देर के लिए सोच लिया था कि a जो है, मान लीजिए x जो है वो सबसेट, वो सॉरी बिलोंग नहीं कर रहा है बी से, थोड़ी देर के लिए हमने ऐसा सोचा, ठीक है, तो ये आया, और ये अगर आ रहा है तो ए जो है वो सबसेट नहीं होगा बी का, ये भी चीज है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है। सो ए माइनस बी अगर फाई है, अगर फाई है तो दिस इंप्लाइज दैट ए सबसेट बी, इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, ये वाला पार्ट इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि a माइनस अगर b फाई आ रहा है तो a जो है वो b का सबसेट ही है। सो हम कह सकते हैं कि a इक्विवेलेंट है, वो सॉरी फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट है सेकंड पार्ट के, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट है सेकंड पार्ट के। ये बात हमारी समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। अब हमारा मोटिव है फर्स्ट एंड थर्ड की,
बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम इन दोनों को इक्विवेलेंट करें, ठीक है, तो वी हैव टू शो फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ थर्ड, ठीक है। अब यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा, अब हम मान के चलते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, ये हमेशा होगा, ठीक है। एक्स आल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्यों होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, ठीक है। अब इसका यूनियन करो, यूनियन में क्या होता है दोनों सेट के एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं ए यूनियन बी। तो हमने कहा कि अगर ए एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में आ रहा है, मतलब ए में 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, तो 1 एंड 2 ए यूनियन बी में भी आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल है, तो एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है, बोलो। और ये बात हमने क्यों कही, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, इसलिए भी कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में, इसका मतलब वो एलिमेंट बी में, बोलो, क्लियर है। और जब भी आपको ऐसा आ जाए कंडीशन, कभी याद रखना कि एक्स बिलोंग्स टू ए हो और एक्स बिलोंग्स टू बी भी हो, तो इस केस में हम आसानी से कह सकते हैं सो ए सबसेट बी, क्या कह सकते हैं आसानी से ए सबसेट बी, जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो, ठीक है, कि कोई एलिमेंट ए में है, एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी भी है, तो हम आसानी से कह सकते हैं एक्स वो ए सबसेट बी, मतलब ये जो है चीज सबसेट होगी इस चीज की, ठीक है, ए जो है वो सबसेट होगा बी का। तो यहां से ये भी क्लियर हो गया कि हेंस हम कह सकते हैं हेंस फर्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट है थर्ड के, ठीक है, क्लियर। और ये जो हम कर रहे हैं ना जिस तरह से सवाल, इसी तरह से इसको सवाल को करना है, ठीक है, हमें शो करना है। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ को करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ करना है हमें यहां पर, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये तो हम यहां पर लिख लेंगे, इफ वी हैव टू शो फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ फोर्थ, ठीक है। और यहां भी हम फोर्थ पार्ट को लेट कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और साथ में हम लेट करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एक्स आल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है, कि भाई कोई एलिमेंट ए में आ रहा है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा, क्योंकि ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है, क्लियर सी बात है। और अगर कोई एलिमेंट एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो बी में भी होगा, एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है। देखिए जैसे जैसे हमारे पास एक सेट है ए, 1, 2, इसमें दो एलिमेंट्स है, एक है बी, इसमें 1, 2, 3 है। अब हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी करो, तो आप क्या करोगे, इनके कॉमन वाले एलिमेंट्स इसमें लिखोगे 1 एंड 2, ठीक है। अब देखिए 1 ए में आ रहा है तो 1 ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है, 1, 2 जो है ए में आ रहा है तो 2 जो है ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है, और 2 जो है बी में भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने कहा कि एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा, और हमने आपको क्या बताया कि कोई एक्स एलिमेंट जो ए में आ रहा है और वही एक्स एलिमेंट बी में भी आ रहा है, तो हम आसानी से कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिले ना, ये कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम आसानी से कह सकते हैं, ठीक है, ए सबसेट बी। तो ये चारों कंडीशन हमने इक्विवेलेंट प्रूफ कर दी, ठीक है। 1 को हमने पहले
सेकंड के साथ, फिर वन को थर्ड के साथ, फिर वन को फोर्थ के साथ, और यहाँ पर हेंस हम लिख सकते हैं, ठीक है, ए जो है वो इक्वलेंट फर्स्ट, सॉरी फिर मेरे मुंह से ए निकल रहा है हर बार, फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट जो है वो इक्वलेंट है फोर्थ की, और ये जो साइन है वो टू वे इम्प्लीकेशन का साइन है, इसको हम लोग जब रीड करते हैं तो कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, दैट्स ऑल।